नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को आजमगढ़ में अंबेडकर नगर बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। वे आजमगढ़ में हुए दलित प्रधान की हत्या में परिजनों को सांत्वना देने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें आजमगढ़ व अंबेडकर नगर के बॉर्डर टोल प्लाजा पर रोक लिया। वहीं भीम आर्मी प्रमुख ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत धरने पर बैठ गए, यूपी सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने उन्हें धारा 144 का हवाला दिया। चंद्रशेखर ने अपने दो समर्थकों के साथ तरवा में पीड़ित प्रधान के परिजनों से मिलने की बात की तो प्रशासन ने मना कर दिया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी कई थानों की फोर्स तैनात कर दी। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है? आप एक बार स्टूडियो को साइन करके देखिए, मैं उस वर्ग से आता हूँ, मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। 5 दिन हो गए, मैं एक पहले दिन नहीं आया हूँ, जिस दिन घटना तुरंत आ गया हूँ। माहौल को हम भी समझते हैं, 5 दिन यार ऐसा करें तो गलत है। फिर तो जो उनकी हत्या की है तो हमसे प्रशासन ने कहीं सीधी गोली मार के हमारी हत्या कर दी, ये नहीं चलेगा। जिम्मेदारी अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप लोग भी जिस तरह के मिल जाएंगे उस पर भी ताना सही खाएंगे भाई। हम इस देश में सबसे अछूत हो गए क्या? हम किसी के अपने लोगों से मिलने भी नहीं जा सकते। एसडीएम साहब, वर्ड 44 में भी शांति पूर्वक अपनी बात कहने का अधिकार है, आपकी सारी जानकारी हमने ब्लॉक कर रखी है। अपनी बात नहीं कह सकते शांति पूर्वक, तो किसी क्षेत्र की सीमा में जाने से कैसे रोक देंगे भाई, बताइए ना। उस स्पोर्ट पे तो रोक सकते, सीमा में रोक देंगे, ये कौन सा अधिकार है भाई? कोई बहुत तो कोई आदेश हमें भी दिखाइए। क्या तो हम इस देश के नागरिक ना हो या इस प्रदेश के नागरिक ना हो, मैं तो जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता हूँ, अपने लोगों के लिए अपनी बात कह सकता हूँ, लेकिन ये कहाँ से भाई? कहाँ से प्रशासन, जनता की मदद करनी चाहिए। हम सब लोग जनता के लिए हैं, और आपने देखा मैं तो सब लोग अभी बहुत सारे लोग वहाँ थे, मैं तो पहले दोनों तीनों काम निपटा के तब आया कि चलिए भाई आराम से जाके सब फोन सुन से मिलकर उनके दुख दर्द सुन के आऊँगा। किलो तुम्हारे प्रधान की हत्या कर दी है, ऐसा तबड़ा ही आ गया है। संविधान को मानने वाले लोग इसमें बैठ गए हैं, क्या करें।